हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो सारे भाई? होप करता हूँ कि सारे अच्छे होंगे। तो सारे भाई, एक चीज़ भाई आज दिखाता हूँ आपको। मतलब यार, आजकल ऑफ रोडिंग बंद है, धूप भी देखो काफ़ी तेज़ है और मौसम भाई बढ़िया एकदम। मतलब ये धूप जो है ये चमकदार वाली धूप है, और ऑफ रोडिंग मैं इसलिए बंद बता रहा हूँ क्योंकि भाई देखो ट्रैक्टर तो यहीं है, बाकी यार इसकी बैटरी जो है वो बैटरी यार इसका बुलेरो में शिफ्ट कर दिया गया। घर में गाड़ी है उसकी भाई बैटरी ख़राब हो गई। और अभी दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ओपन करते हैं इसको। ये चीज़ भाई मुझे पसंद आती है, सस्पेंशन। तो भाई यहाँ देखो बैटरी है ही नहीं। अब भाई आप सोच रहे हो कि बैटरी गई कहाँ, तो भाई बैटरी दूसरे गाड़ी में लग गई है, बुलेरो में। तो अभी उसकी बैटरी ख़राब है, तो भाई जब तक उसकी बैटरी नहीं लग जाती तब तक तो भाई ये ट्रैक्टर ऐसे ट्रैक्टर के नाम पे खड़ा है, बाकी हम इसको चला नहीं सकते हैं। तो भाई अभी के लिए इसको बंद करते हैं और मैं चल रहा हूँ, आज निकल रहा हूँ शोरूम पे। ये कर दिए भाई लॉक इसको, एक बार चाबी लगा के भाई ऑन करते हैं, देखते हैं लाइट वाइट आती है कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो भाई, कुछ जान वान है ही नहीं ट्रैक्टर के अंदर, ऐसा फील हो रहा है। गाइस, मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जो ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ था, तो भाई कुछ भाई लोग हेट पहुंचा रहे थे, हेट दे रहे थे इस वीडियो पे। मतलब कि हेट का सेंस ये है कि भाई ये ट्रैक्टर बेकार है, ऐसा वैसा मत लो, ये वो जो भी कुछ बोल रहे थे। सो आप देख ही रहे हो कि मेरे पास ऑलरेडी कुबोटा ट्रैक्टर है, यूज़ करता हूँ मैं अच्छे से और बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो सारी चीज़ें मैं दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ, पर भाई कुछ लोगों के अंदर एक होता है ना कि अब होता है भाई ये कि जो भाई जो ट्रैक्टर रखे रहते हैं अपने पास, जैसे कोई भाई स्वराज लिए हैं, महिंद्रा लिए हैं, जॉन डियर लिए हैं, तो उन्हें अपना ही अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं ही अगर कोई गाड़ी चला रहा हूँ तो वो मुझे मेरी गाड़ी पसंद आएगी, लेकिन मैं तो एक एज ए क्रिएटर हूँ तो मैं सारी कमी आपको बता देता हूँ जो जो कमी रहेगी उस गाड़ी में। अब वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, या तो इंजन से रिलेटेड हो, या तो फिर भाई कोई भी चीज़ हो, जो भी कमी आती है तो वो हमारा काम है भाई शेयर करना आपको, जिससे आप उसमें ना फंस सको। सो गाइस, कहना ये है कि जो ट्रैक्टर मैंने दिखाया था जो ओपन हुआ है, उसमें यार हुआ ये है कि एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट होने पे भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी गाड़ी हो, एक्सीडेंट होके भाई वो चकनाचूर ही हो जाती है। तो इंजन वगैरह उसके डैमेज हो गए हैं और जिस वजह से भाई उसके कुछ पार्ट्स चेंज होंगे। तो इससे आप लोग ये भी देख सकते हो, जो लोग के मन में ये डाउट हो कि कुबोटा कंपनी सामान नहीं देती होगी, अब भाई पूरा इंजन तो खुल गया है ट्रैक्टर का, इससे बड़ा और कौन सा सामान ट्रैक्टर में लगता है। तो भाई खुला तभी है जब ट्रैक्टर कंपनी के सामान अवेलेबल है। अगर भाई सामान ना अवेलेबल होता तो वो खुलता ही क्यों, कंपनी खोलती नहीं, डीलर खोलते ही नहीं। सो गाइज, उसको खोल दिया इन्होंने और सामान भी लगने वाला है अभी, आज मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ से निकलता हूँ शोरूम भाई, फाइनली नहाया नहीं हूँ अभी, तो पहले चलेंगे नहाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद भाई यहाँ से निकलेंगे शोरूम के लिए। सो सामान उसके शायद आ गए हैं और एक दो दिन तीन दिन जो भी लगते हों आते, बिकॉज ये अपना बस्ती डिस्ट्रिक्ट है। तो भाई सामान जो है इसके आते हैं फरीदाबाद, यहाँ या तो भाई ये आते हैं पुणे से, और या तो ये आएंगे दिल्ली से, जहाँ भी हो इसका नया बनते हैं, मतलब कि बनने का ये सेंस कि जहाँ पे असेंबल होते हैं ट्रैक्टर तो वहीं से ही आता होगा। सो कई सारे सामान बहुत दूर दूर से आते हैं, इंडोनेशिया और मतलब दूसरे दूसरे देश से, तो वो पहले यहाँ आते हैं और फिर भाई वहाँ से फिर यहाँ आते हैं, मतलब अपने शोरूम पे, और वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो दो तीन दिन का टाइम, आज ऑर्डर लगाए तो 3 दिन बाद वो सामान आपको मिलता है, तो उसका हम भाई वेट करते हैं। और वेट करके भाई फिर, लेकिन देखो आप ध्यान देना कि ट्रैक्टर पूरा बन के रेडी होगा, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये डाउट तो क्लियर ही हो जाएगा आप लोग का कि ये कंपनी नई है, पर देखो इसने सर्विस के सारे सब चीज़ अवेलेबल कराए, और मतलब एक जो होता है कि ऐसा कुछ कंडीशन नहीं बन रहा है कि इसके सामान नहीं मिलते और सामान नहीं मिलेंगे। तो
सो गाइज अभी मैं घर पे हूँ और घर से निकलता हूँ सीधे शोरूम। शोरूम पहुँच के फिर भाई वहाँ पे बात होती है डिटेल में, चलते हैं गाइज। भाई एक चीज़ और है कि मतलब इस ट्रैक्टर में हम अगर बाइक की बैटरी लगा के स्टार्ट करें तो भी ये स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए भाई बाइक की भी बैटरी निकालनी पड़ेगी, पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी करके दिखाऊंगा। अगर भाई आज बैटरी इसमें ना लग गई तो फिर मैं बाइक की बैटरी निकाल के और इसमें लगा के ज़रूर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कंपनी वाले ये चीज़ बोलते हैं ना कि इसका इंजन बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्मूथ है, किसी भी बैटरी से, बाइक के बैटरी से भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें भाई मैं टेस्ट कराऊंगा आपको। बाकी अभी के लिए चलते हैं भाई शोरूम पे। और भाई एक रिक्वेस्ट कि नो हेट, भाई हेट मत पहुंचाओ। देखो हेट फैलाओगे किसी चीज़ को लेके या निगेटिव उसको करोगे तो वो मुझे भाई टाइम नहीं लगेगा। और भी ट्रैक्टर्स को खोल के दिखा दूंगा। और भाई देखो एक भाई को इतना मज़ा आ रहा था, वो उसने बोला कि भाई ऐसे जॉन डियर का भी खोल के दिखा देते। अब भाई ये बताओ ये छोटी बात थोड़ी ना है, जिस कस्टमर का, जिस किसान भाई का ट्रैक्टर नुकसान हुआ है और आप ऐसे बोल रहे हो कि मतलब हंसी मजाक टाइप का ले रहे हो। इतना तो उसका भाई नुकसान हो रहा है, वो टूट रहा है, मतलब अगर फिर भी कंपनी ही ले रही है सारी चीज़ें अपने अंडर में और खुद रिपेयर करा रही है। बट यार एक होता ना कि अपनी गाड़ी है टूट गई तो वो बहुत ज़्यादा अंदर से भाई उसके लिए बेकार फील आती है। तो ये लोग आप भी फील करते होगे कि अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट जब होता होगा तो फिर कैसा फील करते होगे। सो भाई ऐसा कुछ मत बोलो। बाकी जो ड्राइवर था वो बच गया है भाई भगवान की कृपा से, तो एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बच गया। कुछ भी बेकार नहीं, फेक नहीं दिखाता हूँ, सारी चीज़ें रियल रहती हैं। कभी आप लोगों ने ऐसा भी नहीं देखा होगा कि मैंने जो डीजल टेस्ट किया सेम जो एवरेज आता है मैं वही चीज़ दिखाता हूँ, उसमें फेक कुछ नहीं दिखाता हूँ भाई। तो फेक नहीं हूँ भाई, जो भी हूँ रियल हूँ। तो इस वजह से थोड़ा इसका रेस्पेक्ट किया करो। बाकी भाई शोरूम पे चलते हैं, फिर वहाँ पे ही बात करते हैं। अब इस फाइनली शोरूम पे आ गया हूँ और भाई मतलब कि ये देखो इधर है अपना ट्रैक्टर। बाकी काम हो रहा है, काम हो जाएगा तो भी मैं दिखाऊंगा। और एक भाई नया चीज़ अपग्रेड आ गया है, मतलब कि एक जो 5502 में है अपने, उसमें ये कौन सी छतरी बोलते हैं, फाइबर वाली, मतलब उसके जो लोहे हैं पुर्जे हैं वो सारे सेट हो गए हैं। तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द वीडियो आएगी। बाकी भाई मैं आज फिर आज की वीडियो में दिखा देता हूँ कि ये एक्सीडेंटल ट्रैक्टर है। ये देखो गाइस किस तरह से ये पूरा टेढ़ा हो गया था, अभी तो इसे सीधा कर दिया गया है, बट ये देख सकते हो कि किस तरह से टेढ़ा हुआ है कहाँ कहाँ से। तो एक्सीडेंट हो जाता है भाई, कोई भी गाड़ी हो तो एक्सीडेंट में सारे प्रॉब्लम। ये देखो रेडिएटर इधर निकाल के रखा, और ये भी भाई इसका ये क्या बोलते हैं एयर फिल्टर, तो सब कुछ भाई टूटा हुआ है। बाकी इंजन शायद फट गया था लड़ने पे या कुछ भी ऐसी दिक्कत आई थी। ये देखो भाई अभी तो भाई काम हो रहा है, मतलब कि इसके सामान आ गए हैं और सामान आके ही तुरंत ये रिपेयर हो जाएगा। बाकी भाई अगर इसमें कोई टूट फूट ना हुई होती, या मतलब टूट फूट की क्या बात है, खैर अगर ये ट्रैक्टर ना बन पाता इसका इंजन तो भाई ये खुलता ही ना। बाकी आज आप लोगों को एक चीज़ यही पता चल जाएगा कि जब कुबोटा ख़राब होता है तो वो रिपेयर होता है कि नहीं, इंजन की चीज़ें। बाकी भाई ये देखो ये इसका डीजल टैंक, सारी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे। मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी के बारे में जानते ना हो किसी चीज़ के बारे में तो कोई हेट मत फैलाओ, क्योंकि भाई ये चीज़ आपके साथ भी हो सकता है, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है ये घटना घट सकती है। सो, और कंपनी में भी भाई बहुत सारे ट्रैक्टर इंजन खुले पड़े रहते हैं जो भी रहता है। तो कुछ लोगों को तो यही समझ में आ रहा होगा, यही मिला होगा कि भाई ये देखो और ये मतलब ट्रैक्टर खुल गया है, सो, क्या हो गया है, कैसा हो गया है। तो भाई एक्सीडेंट में कुछ भी टूट फूट सकता है, नॉर्मल सी ये बाइक है तो ये भी अगर लड़ने के बाद भाई चकना चूर ही हो जाएगी। सो, बाकी गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि जो अपग्रेड है और भाई कुछ चीज़ें जैसे 5502 को लेके
इनके साथ मैं प्राइस के लिए कुछ बातें करूंगा, आप लोगों से बताऊंगा, शायद कुछ प्राइस का अपग्रेड आए तो भाई मैं न्यू जो नवरात्र का प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा अच्छे से। बाकी भाई शोरूम आया था मैं आज भी कुछ काम से, तो यहाँ से भाई निकलते हैं अब। और भाई होप करते हैं कि भाई वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो भाई वीडियो लाइक करो और भाई वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी भाई मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।